पहले दिसंबर से सभी टोल प्लाजास पे जो पूरे इंडिया के अंदर जो एक पैन इंडिया प्लान है जो कि फास्टैग लेन स्टार्ट होने वाली है, जम्मू में भी शुरू होने जा रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रीजनल हेड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हेमराज जी, जो ये फास्टैग आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस तरह से ये हेल्पफुल रहेगा? और अभी थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो उससे दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत लोगों को। जी बिल्कुल, जो हेल्पफुल रहेगा उसके लिए तो हम ये बताना चाहूँगा कि ये अपने आप में पहले ही एक कदम है डिजिटल इंडिया की तरफ। जो लोग फास्टैग लगाएंगे, हालांकि ये मैंडेटरी है, 1 दिसंबर से पहले पहले लगवाने हैं, लेकिन हेल्पफुल रहने के लिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो फिनेंशियल बेनिफिट है, 2.5% जो है उनको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा जो टोल फी है। इसके अलावा जो आज की डेट में लाइनें लग रही हैं, जो हमें परेशानियां हो रही हैं, अपना 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा सीमलेसली और बिना रुके, जो ऑटो डिटेक्शन के साथ गाड़ियाँ मूव करेंगी, तो ये जो ट्रैफिक की वो प्रॉब्लम आ रही है वो भी खत्म हो रही है। कितनी सर लेन्स रहेंगी और जब तक इंटरनेट नहीं चलता तो तब तक ये रिचार्ज किस तरह से करवा पाएंगे और कहाँ कहाँ आपने जो अपने सेंटर्स दिए हुए हैं और क्या लोकल बैंक्स भी इसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं? जी इसके लिए जैसे इंटरनेट की हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो ये प्रॉब्लम पहले तो NHAI को भी आ रही है जो फास्टैग इशू करने हैं, उसके बाद जो लोग फास्टैग ले रहे हैं उनको रिचार्ज करने के लिए और ऐप्स डाउनलोड करने के लिए एक बड़ी समस्या है। उसके लिए हमने फर्स्ट फेज में जहाँ जहाँ हमारे टोल प्लाजा पे जो नेट है उसका इस्तेमाल करके फास्टैग इशू कर रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ ब्रांचेज हैं हमारी, जैसे पंजाब नेशनल बैंक की हैं, स्टेट बैंक है, ICICI बैंक हैं, उसमें जम्मू की ब्रांचेज को रिक्वेस्ट करके हमने इशू करने के लिए बोला है, तो ब्रांचेज अपने लेवल पे फास्टैग में फैसिलिटेशन के लिए उन्होंने कई अपनी ब्रांचेज डेजिग्नेट कर दी हैं जो आपको फास्टैग इशू कर रही हैं। जो लोग सर फास्टैग लैन ना होते हो, जिनके पास वो चिप नहीं होगी और वो उस लैन में चले जाएंगे, उनको भी कुछ फाइन वगैरह का भी बात चल रही है? जी, क्योंकि ये फास्टैग जो है ये 100% इम्प्लीमेंटेशन का हमारा वो है प्रावधान है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक डिसाइड हो गया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लेवल पे कि जो भी आदमी बिना फास्टैग के फास्टैग लेन में जाएगा उसको डबल वो देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पर बात करने के लिए। तो फिलहाल फास्टैग लेन शुरू होने जा रही है 1 दिसंबर से, आप लोग देखते रहें JK मीडिया। जय हिंद।